एक क्लास है, चार सेक्शन लगती है उसमें जी। एक क्लास है, चार सेक्शन लगते हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूलों का जब रिजल्ट सही नहीं आता, क्या उसको पनिशमेंट दी जाती है? कि जो सरकार के जो है पांचवी तक मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, बच्चों के हाथ में उनको तीन या चार घंटे पढ़ने में जाता है, जिसमें एक डेढ़ घंटा बच्चे यही देखते रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, और उसके बाद नौवीं तक बच्चा फेल नहीं होगा। जबकि इस जो पढ़ाई का स्तर है वो भी आप भी जानते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी पढ़ाइयों को आप भी जानते हैं, तो क्या बोलेंगे इन दोनों चीज़ों की, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। देखो, पहले हमारे टाइम में था कि वजीफा मिलेगा, एक जलील करने की इनकी साजिश है, खड़ा हो जाए कि इसकी फीस माफ़ हो जाएगी, इसको वजीफा मिलेगा, एक सामूहिक तरीके से दिखाते थे कि ये ब्राह्मण का लड़का है, ये छत्री का है, ये उसका, और ये वाल्मीकि है, ये शूद्र है, इसको तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी भीख के ऊपर ये पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वोट डालने का हमारा अधिकार है तो बराबर का अधिकार है, तो हमारी हर चीज़ में, शिक्षा हो या कोई भी चीज़ हो, उसका हमारा बराबर का अधिकार है। जबकि ऐसा नहीं है, मिड डे मील हो गया, ये फूड हो गया बांटना, ये सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए ना जी। ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए क्यों जी? ये प्राइवेट स्कूलों के लिए क्यों नहीं है? तो एक सी भावना दिखे, सबको एक सी भावना मिले, एक सी के हाँ चलो तुम्हें अब इस टाइम वर्दी दे देती हैं, आपको कापी किताब दे देते हैं, एक तरह जलील करना हमारा मोलर बच्चों का डाउन करने की है। इसे ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, और ये हमें दे नहीं रहे, भीख नहीं दे रहे। जब वोट डालने का अधिकार है तो हमारा हक लेने का भी अधिकार है। ये सारी चीज़ें एक सी होनी चाहिए, पढ़ाई का स्तर एक सा होना चाहिए, मिड डे मील है तो सारे स्कूलों में देना चाहिए, पब्लिक स्कूलों में भी देना चाहिए, कहने ये थोड़े कि नहीं, एक तरह की जलालत करने वाली बातें हैं। ये दिखाते हैं कि हम गरीबों को यहाँ दलिया खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारा दलित समाज का अपमान कर रहे हैं जी। जिसे 85% बोला जाता है वो बहुजन समाज होता है, 15% नरसंवर समाज या जनरल समाज आता है, तो 85% के बच्चे जब नौवीं तक फेल ही नहीं होंगे तो आगे कैसे वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर बन पाएंगे, वो भी बता दें। नहीं, ये मैंने आपको पहले बताया था ना, जो अच्छे लोग आ गए, अच्छे का मतलब जो मनुवादी सोच के लोग आ गए हैं, अच्छे का मतलब हाँ सबसे अच्छे तो हम हैं। आज एक आपको पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सुबेरे किसी वाल्मीकि का सर सिकल देख लो तो 100 साल का काम जिसका रुका हो वो बन जाएगा, और किसी ब्राह्मण का देख लोगे ना तो लुगाई से भी पिटके जाएगा और भार भी पिटके आएगा। कल युग में भी हमारे लोगों में इतना असर है बाल्मीकि समाज का। अच्छे का मतलब हम अच्छे हैं, मतलब ये जो सामंतवादी है, जो मनोवादी है लोग भाग हैं, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, अपनी नर्सरी अलग लगा रखी है, गोइंका स्कूल हो गया या कोई और स्कूल हो गया, सही है, प्राइवेट स्कूल हो गए, उनका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन सोसाइटी एजुकेशन है। हमारे लोगों की सोसाइटी एजुकेशन नहीं है। एक क्लास है, चार सेक्शन लगती है उसमें, एक क्लास है, चार सेक्शन लगते हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूलों का जब रिजल्ट सही नहीं आता, क्या उसको पनिशमेंट दी जाती है? प्राइवेट वालों का इतना बढ़िया रिजल्ट क्यों आता है? कहीं ना कहीं उनका संरक्षण जो है मनुवादियों का है जी। आप थे हमारे साथ मोर सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और कहा है कि बहुजन समाज बहुत अब पीछे नहीं है, वो बहुत आगे आता जा रहा है, और रविदासी समाज के जो गुरु हैं और वाल्मीकि समाज के जो गुरु हैं और जो ब्राह्मणवाद पढ़ते हैं वो वाल्मीकि समाज ने ही उनको दिया है जिसको वो पढ़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।